नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। मैं हूं आशी प्रतीक और बढ़ते हैं आज की खास खबर की तरफ। अब खबर सरवार से है। शुक्रवार को देर रात्रि के समय शहर के वार्ड नंबर 23 के दादाबाड़ी क्षेत्र में स्थित एक आवासीय मकान के बाहर लूट व डकैती की वारदात को अंजाम देने आए अज्ञात नकाबपोश लुटेरे मकान मालिक को जाग जाने के कारण मौके से भागने में कामयाब रहे। वहीं इस घटना के बाद बस्ती में दहशत व्याप्त हो गई। जानकारी के अनुसार मनीष सिंधी ने शनिवार को 10 बजे बाद सरवार स्थित पुलिस थाने में एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर बताया कि शुक्रवार को देर रात्रि के समय उनके मकान के दरवाजे के बाहर लगभग 9 नकाबपोश लुटेरे आए और लूट की नीयत से मकान के अंदर टॉर्च से रोशनी चलाई, लेकिन पानी पीने उठे उसके पिता को शंका होने पर एवं बड़े भाई ने शोर मचा दिया और दरवाजा खोलते के साथ ही सभी लुटेरे नगर पालिका के टोल नाके की तरफ भागने में कामयाब हो गए। वहीं इस घटना के बाद पीड़ित परिवार एवं बस्ती के लोगों में दहशत आक्रोश व्याप्त हो गई है। मैं मनीष कुमार सिंधी दादाबाड़ी वार्ड नंबर 23 में रहने वाला। मेरे पिता का मकान वार्ड नंबर 23 दादाबाड़ी में। हम पूरे परिवार वाले एक ही घर में एक साथ रहते हैं। रात को खाना खाने के बाद सब सो जाते हैं 11 बजे के आसपास। शुक्रवार की गत रात को 1:15 बजे के आसपास मेरे पिताजी को पानी के लिए प्यास लगी थी, तो वो कमरे से निकल गए, चौक की तरफ गए, चौक पे पानी वानी पी लिया। उसके बाद उन्हें मेन गेट से अंदर की तरफ चौक में रोशनी दिखाई दी। रोशनी को देखते हुए वे थोड़ा चौंके और उन्होंने कहा कि भाई चौक की लाइट बंद होने के बावजूद रोशनी का क्या काम। फिर उन्होंने बड़े वाले भैया को उठाया और पूछा उसके बाद में बाहर जाली की तरफ देखा तो कुछ लोग नज़र आए, तो उन्होंने ज़ोर से चिल्लाया और चिल्लाने के बाद में गेट खोल के बाहर देखे तो कुछ नकाबपोश व्यक्ति चोरी की फिराक में आए थे और चिल्लाने की वजह से वो मेन रोड से होके टोल नाके की तरफ भाग छूटे। अतः मेरी गुजारिश है कि रात को थोड़ी सी गश्त की व्यवस्था की जाए पुलिस प्रशासन द्वारा, ताकि ये आगे आने वाले समय में ये दोबारा ऐसी वारदात न हो और हम सुरक्षित रहें। इस वजह से पूरा मोहल्ला और पूरी कॉलोनी दहशत में आ गई।